थोड़ा सा मेरा रीजनल एस्पिरेशन जाग रहा है। मैं बिहारी हूँ और सर, आपने जितना बिहार की जनता को आप पर भरोसा है, बिहार में जब बाढ़ आई थी आपने नाव भेजे थे, रसद भेजी, बम फट रहे थे, आप गांधी मैदान में वहाँ पर खड़े थे, हम लोग वहाँ पर मौजूद थे। सर, आपके रोड शो में मैंने पिछले हफ्ते देखा पटना में, ऐसी अद्भुत भीड़ मैंने तो, मुझे लगता है जेपी मरे थे 77 में, मैं छोटा था, गांधी मैदान भी उतना नहीं भरा था जितनी भीड़ उस दिन आ गई थी। तो एक भरोसा है जनता को वहां पर, लेकिन बिहार लगातार पिछड़ा जा रहा है। हम जैसे बिहारियों की सबसे बड़ी चिंता है कि वापस जाने की सोच भी नहीं पाते, अपने घर जाने का, गांव जाने का। क्या है आपके पिटारे में, क्या आश्वासन है बिहार की जनता के लिए, मोदी भरोसा क्या है वहां के? मैं बताता हूँ जी। देखिए, आप बिहार छोड़ दीजिए, मेरा 2013 का भाषण है, 2013 का, तब मैं प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी नहीं था, मैं मेरी पार्टी के इलेक्शन कैंपेन का चीफ था और दिल्ली में ही मेरा एक भाषण था। उसमें मैंने कहा था कि हिंदुस्तान के उज्जवल भविष्य के लिए हमें भारत के पूर्वी भारत को डेवलप करना होगा, और पहला टारगेट होना चाहिए कि उसको पश्चिम की बराबरी में लाना। पश्चिम मतलब गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, पूरा। अरे आप देखिए, हिंदुस्तान को दो हिस्से दिखेंगे आपको। राइट साइड का जो हमारा पूर्वी भारत है वो समृद्ध भारत है, सारी हमारी खनिज संपदाएं हैं, नेचुरल प्रॉपर्टी सारी वही है, पानी तो वहाँ, ह्यूमन रिसोर्स तो वहाँ, कोयला तो वहाँ, आयरन ओर तो वहाँ, सब कुछ वहाँ है। वहाँ गरीबी है, और यहाँ पर अब जैसे गुजरात, उसके पास नमक के सिवा कुछ नहीं है, वहाँ एक भी डायमंड नहीं है, लेकिन दुनिया में 10 में से 8 डायमंड किसी न किसी गुजराती का हाथ लगा हुआ है। तो ये ऐसी स्थिति क्यों? तो मेरा 13 का भाषण है कि हमने पूर्वी भारत को डेवलप करना चाहिए। और आपने देखा होगा जो हमने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है, आपने देखा ब्रिज के काम लंबे अरसे से अटके हुए थे, इंडस्ट्री के लिए का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसकी चिंता करना, यानी ऐसे हर विषय पर बल देना। हमने गैस पाइपलाइन का काम किया है, ये गेम चेंजर बनेगा, इंडस्ट्री को बहुत बड़ा सस्ता फ्यूल मिलेगा, वो जाएंगे। वहाँ के एग्रीकल्चर को भी हम मोड़ सकते हैं, उस दिशा में हम बल देंगे। आज देखिए जी, बिहार का युवा सबसे ज़्यादा टैलेंटेड मिलेगा आपको, किसी भी फील्ड में जाइए आपको ऐसे हाथ लगाओ तो दो बिहारी बच्चे मिल जाएंगे, और वो ऐसे ही घर से निकले हुए लोग नहीं है, सामर्थ्यवान लोग है। मेरे राज्य में अगर मैं गुजरात का देखो, IAS IPS कैडर में किसी एक राज्य के सबसे ज़्यादा कहाँ थे, तो बिहार के थे। इसका मतलब परमात्मा ने उनको बहुत सामर्थ्य दिया है, और किसी जमाने में तो विश्व का नेतृत्व तो उस भूमि में से हुआ है, तो उसमें तो कोई कमी नहीं। हम इसलिए मैं झारखंड हो, पूर्वी यानी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, असम हो, बंगाल हो, इस पर हमारा पूरा बल है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दो, वहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका वैल्यूएशन करो, स्किल डेवलपमेंट करो, ये सारे रास्ते, और जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ इसके कारण बहुत ही फायदा होगा। मेरा एक सवाल थोड़ा सा हटके है, प्रधानमंत्री जी आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, पर बहुत मेटिकुलस होता है आपका काम। हमने कई बार जो स्टोरीज़ के वहाँ पे लोग जानना चाहते हैं कि आप इस तरह से किस तरह से काम करते हैं, जैसे आप एक कभी आपने कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया तो उसका नाम ऑपरेशन गंगा रखा या देवी शक्ति रखा, क्या सोचते हैं आप? नाम एवरीथिंग, नेम इज़ ऑल्सो बहुत पर्टिकुलर होता है आपके। इसमें मेरे दो अनुभव है जी। मैं जब गुजरात में था तो NCC के चीफ आए, वो तो रिटायर्ड अफसर होते हैं, वो मुझे मिलने आए, तो सारा फॉर्मल जो उनका ऑफिशियल था पूरा, बोले फिर साहब अगर आप समय दें तो मुझे पर्सनल बात करनी है, मेरी ड्यूटी के सिवा है। नहीं, मैं कहा जरूर आप आए बात कीजिए। बोले मेरी पत्नी का एक आपको मैसेज है। मैंने कहा क्या? बोले मेरी पत्नी पूछती है कि मोदी जी सारी योजनाओं के नाम संस्कृत में क्यों रखते हैं, कोई सरल नाम रखे। ये तो मुझे सवाल पूछा था। हमारे देश में क्या हुआ है जी, हर चीज का एक
उसको सुनते ही ध्यान में आना चाहिए, इसके लिए है। उसके साथ एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपके घर में बच्चा पैदा हुआ और आपने कोई अलेक्जेंडर नाम रख लिया तो पूरे मोहल्ले वाले कहेंगे अरे क्या रखा है लेकिन आपने अमन रख लिया तो लगा अरे यार ये तो अपना बच्चा है। हर चीज में एक अपनापन होता है जी। हमारे देश में सब क्या कमी है मुझे बताइए। हम सहज से लोगों को, अब जैसे जनधन, मैंने जनधन योजना बनाई, वैसे मैं इसको उसको मैं कंपटीशन करता हूँ। मैंने स्कीम रख करके लोगों के आइडियाज मांगे थे, जैसे स्वच्छता का जो गांधी के चश्मे है वो लोगों ने मुझे भेजे हुए हैं, लेकिन मैं जन सामान्य को जोड़ता हूँ तो उनकी तरफ से मुझे नाम मिलते हैं। अब जनधन योजना एकदम से गरीब को लगता है सामान्य मानवीय का धन। अब जैसे मैंने स्वामित्व योजना बनाई है जो मैं ड्रोन से गांव में उनकी संपत्ति का सर्वे करके उनको सर्टिफिकेट देता हूँ। अब उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि भाई मेरी जमीन के रिकॉर्ड ही नहीं है, मैं गांव से बाहर जाता हूँ तो कोई कब्जा कर लेता है। हम कोर्ट कचहरी में लड़ते हैं तो मैंने जब दिया स्वामित्व तो उसको स्वामित्व का समझ उसको बराबर है कि स्वामित्व का मतलब क्या होता है उसको पूरी समझ है, तो एकदम से उसके साथ एडिट में हमने UPI किया। UPI सुनते किसी को एक था लगता है कि ये यार क्या है, तो पूरा नाम है भीम UPI। मैंने भीम रखा है, बाबा साहब अंबेडकर का नाम भीम है जी। और ये सबसे बड़ी करेंसी है जी, 21वीं सदी की मेरी सबसे बड़ी करेंसी भीम है। तो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उसके साथ आइडेंटिफाई हो जाता है, अच्छा ये तो हमारा है जी। और इसलिए मैं मानता हूं कि हमने योजना है उसी प्रकार से मैं जी ऑपरेशन करता था, ऑपरेशन ऐसे नाम रहते थे जी। अब मैंने कावेरी रखा था क्यों, तो ज्यादातर उस इलाके के लोगों को अफेक्टेड थे उनको मुझे लाना था तो मेरे लिए वो सूट करता था कावेरी। मैंने चंद्रयान के लिए शिव शक्ति रखा तो मेरे मन में था कि भाई पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ कोई नाम क्या है, तो ये है। तो मैं बड़ी सरलता से लोगों को रखता हूँ। इसमें एक तो मेरा अपने पास जो मेरा सॉफ्टवेयर ईश्वर ने दिया हुआ है वो जो प्रोसेस करके निकालता है वो भी ऐसी ही चीज़ें निकालता है, और मैं जो क्राउड सोर्सिंग करता हूँ उसमें से मुझे ज़्यादातर वो सी चीज़ें तुरंत मैं उसको लपक लेता हूँ।